న్యూస్ గుజరాత్ లో తుది దశ పోలింగ్ నెమ్మదిగా ఊపందుకుంటుంది. తొలి 2 గంటల్లో 10% లోపే ఓటింగ్ నమోదైంది. ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సబర్మతి నియోజకవర్గం రాణిప్లోని నిషాన్ విద్యాలయం పోలింగ్ సెంటర్ లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మోడీని చూసేందుకు జనం పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడంతో వారిని కట్టడి చేయడం పోలీసులకు కష్టసాధ్యమైంది. ఆ ప్రాంతమంతా మోడీ బీజేపీ నినాదాలతో మార్మ్రోగింది. बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव रहे. ये चुनाव ऐसा था जो गुजरात की जनता ने खुद ने लड़ा है. ये चुनाव ऐसा था जिसमें गुजरात के नौजवानों ने, गुजरात की माताओं बहनों ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधे पर उठा लिया था. देश के लिए ये चुनाव इसलिए मिसाल बन रहा है क्योंकि इस चुनाव गुड गवर्नेंस पे लड़ा गया, डेवलपमेंट पे लड़ा गया और जन भागीदारी से लड़ा गया. ये चुनाव इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि पहली बार दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ और लोक शिक्षा का इतना सक्षम माध्यम इस चुनाव में उपयोग करना, ये अपने आप में गुजरात का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गुजरात का लोहा मानना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है. मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. चुनाव में गुजरात की जनता हैट्रिक लगाएगी. गुजरात की जनता फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी. जनता जनार्दन का ये मिजाज आपको इंडिकेशन दे रहा है. मैं 6 करोड़